विस्थापितंकु भुलीगले सरकार प्रतिश्रुति देई पासोरीगला कंपानी जमी हराई दो छकिरे जमीहरा प्रजा केबे मिलिबो थैथान केबे सरकार ओ कंपानी पूरण करिबे विस्थापितंक दाबी एने विधानसभा रे प्रश्न उठाइथिले ढेंकानाल विधायक सुधीर सामल जिल्लारे केते परिवार विस्थापित होइछंती ओ केते परिवार वर्तमान क्षतिपूरण पाइछंती बोली से प्रश्न करिथिले। एहार उत्तर रखिथिले राजस्व मंत्री सुदाम मारांडी। मंत्री का उत्तर अनुजाई आद्यावधि 28,667 लोकंक 17,733 एकर जमी अधिग्रहण होइछि जेउंथिरे 236 परिवार विस्थापित होइछंती। तेबे एने कौन कहउछंती विस्थापित आसंतु शुणिबा। ओडिशा सरकार आमको 2011 मसीह ये प्रस्ताव देले एटी गोटे थर्मल पावर प्लांट हम बहुत निजुक्ति सुजोग मिल बहुत किसी प्रलोभन देखले कि दीर्घ 11 वर्ष बीतीगला प्रकल्पर नागंध ना किंतु ओडिशा सरकार विस्थापित कराइप खूब जोर लगि पड़ी सीने खाली एटा घट्टा करदे कहते आम सुविधा न हवा जगह जीव घर पा सुविधा ना कौटे फसल टे रसन देखिए नई मैं जो नेका कसिले रोगी खाया को जगह ना हेटे आम जीव जेलखाना भाया रो जेलखाना रे घर रे जो सुविधा जगह होता है आम बारिघर टे आम घर मान गले देख हिंदा सुविधा गोटे थी गोटे बाग हला ये किसी ने खाली घट्टा भर कू बंग आम रो विस्थापित 109 जन को थैथान कर 127 विस्थापित थैथान प्रक्रिया जारी रही। ये होंगे कामाख्या नगर में होता ओप्टीसीएल विस्थापित परिवार प्रतिश्रुति मिलता भिटामाटी बदल लोकं बास मिल परिवार लोके चाकरी पाइबे मात्र आज पर्यंत होइनी कौनसी स्थायी समाधान एबे सुधा कहारी को मिलनी चाकरी एमतीकि प्रकल्पर जमी अधिग्रहण को प्राय 8 वर्ष बीती प्रकल्प कार्य आज पर्यंत आरंभ हो पारा ना जहाँ एबे भी संदेह घेर में ग्रामवासी सेपरि हिंदोल रिंगटा माइन्स और टाटा बीएसएल रे हराई अनेक विस्थापित आज पर्यंत थैथान हो पारिना चाकरी उद्देश्य जमी देखें चाकरी से भी नाराज हो संपूर्ण किसी उठे पे खाइबे कौन आम रोजगार करू कौन पिला मान योग्यता अनुजाई कौन से कर्म से दे चाकरी व्यवस्था किसी जानी शुणा पाचे मूल पर चाकरी दिजा कि आम से प्रतिश्रुति मतलब आरंभ होता से प्रतिश्रुति प्रत्येक को चाकरी दिजा प्रत्येक विस्थापित को चाकरी दिजा से हिसाब से जगह देखू तो आम शुणा चाहूँ केवल मूल पर चाकरी दिजा तो बहुत बेकारी अच्छा आमको कही स्कूल सुविधा दिजा मेडिकल सुविधा दिजा किसी सुविधा ही ना केबे विस्थापित हे थैथान केबे एमानकु मिलिबो चाकरी ताहा देखिबा बाकी रहिला। ढेंकानाल विप्लव राहुल रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।